फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियो डाल रही हूँ, तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि कोई इवेंट किसी जातक की लाइफ में घटित होता है या नहीं, घटित होना है या नहीं, हम उस चीज को कहाँ से पकड़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे ये 12 हाउसेस हैं, और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है वो जानते होंगे कि पर्टिकुलर हमारा जो हाउस होता है वो क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी जातक की लाइफ देखनी है, उसकी मैरिज लाइफ देखनी है कि उसकी शादी होगी या नहीं, यानी कि उसकी शादी उसके कुंडली के अकॉर्डिंग प्रॉमिस है या नहीं, फ्रेंड्स हम उस जातक की तभी देखेंगे ना शादी कब होगी। सबसे पहले हमें चेक करना ये जरूरी है कि होगी भी या नहीं, अगर होगी तो हम आगे चेक करेंगे कि कब होगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमारा ये जो सेवेंथ हाउस होता है, हम सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये कस्पल सबलॉट सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको ये बात पता होगी। तो फ्रेंड्स, कस्पल सबलॉट से हम सबसे पहले चेक करते हैं, अगर कस्पल सबलॉट सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट 2, 7 and 11 इन हाउसेस से कनेक्टेड है, इट मींस कि उस व्यक्ति की शादी प्रॉमिस है। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्रॉस चेक करना होगा। अगर कोई जातक आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं कब तक खरीद पाऊंगा, तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि क्या उस जातक की कुंडली में प्रॉपर्टी परचेज करना प्रॉमिस है या नहीं। तो उसके लिए हमारा फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट हम चेक करेंगे। अगर फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट 4+11+12 का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, या 4, 4, 12 हाउसेस से कनेक्टेड है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये चेक हो पॉसिबल हो जाएगा कि भाई ये बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा, लेकिन कब खरीदेगा उसके लिए हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक सैंपल वीडियो थी, बाकी मैं और एज पर माई नॉलेज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।